Now let's start chapter 2, that is Revolt of 1857. So let's start the Revolt of 1857, which is also known as the First War of Indian Independence. 1857 की क्रांति, इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष भी कहते हैं. There are questions on its nature in mains. Because different expert analyze it from different perspective. तो ये प्री में भी क्वेश्चन बना है, मेंस में भी क्वेश्चन बना है. तो उसी हिसाब से हमने ये मैटर सर्व करवाया कि 1857 की क्रांति की क्या प्रकृति थी, द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. सो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ऑथर पी रॉबर्ट्स, इट वॉज ए इट द रीजन ऑफ इट वॉज मिलिट्री, कि इसका मुख्य कारण सैन्य था, मतलब सैन्य कारणों से हुई है. बट अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री देयर वाज सोशल एंड पॉलिटिकल डिसकंटेंटमेंट. यानी अगर हम पी रॉबर्ट्स की बात करें तो वो इसको एक सैन्य ज्यादा कारण ज्यादा मानता है, इसका फौजी कारण ज्यादा मानता है. इफ वी टॉक अबाउट द ब्रिटिश लीडर ऑफ ऑपोजिशन बेंजामिन डिजराइली, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी जो सरकार होती है, पीएम होता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं या धज्जियां उड़ाते हैं उसकी, बोलिए. तो उस चीज को समझना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश लीडर ऑफ ऑपोजिशन बेंजामिन डिजराइल, इट वॉज ए नेशनल रिवोल्ट. उन्होंने बोला कि ये तो एक राष्ट्रीय आंदोलन हिंदुस्तान में हो गया, राष्ट्रीय क्रांति हो गई. जबकि हकीकत यह है कि बेंजामिन डिजराइल ने जो स्टेटमेंट दिया पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिया. दिस वाज द दीस ट्रायंगल्स आर द पार्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. सिर्फ इतने ही स्थानों पे हुई है, देख लीजिए, मुल्तान, दिल्ली, बरेली, इटावा, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, पटना, बैरकपुर, सेंट्रल इंडिया में नागपुर और साउथ में सतारा. तो बेंजामिन डिजराइली की ये व्यवस्था थी कि वो अपोजिशन में बैठे थे, उनको तिल का तार तो बनाना ही था. ये इसलिए कि मेंस में आपको पता चलना चाहिए कि कोई अगर व्यक्ति कह रहा है तो क्यों कह रहा है और रियलिटी क्या है. देन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन होम्स, इट वॉज ए रिवोल्ट बिटवीन सिविलाइज्ड एंड द बारबेरियंस. That means Holmes wanted to say that the British are the civilized, Indians were the barbarians, and civilized had began with number of socio-religious reformation, and the uncivilized, like that is Indians, are against this socio-religious reformation, hence we revolted. यानी होम्स ये कहना चाह रहे हैं कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था. यानी अंग्रेज सभ्य थे, सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक सुधारों के माध्यम से हमको सुधार करना चाह रहे थे, लेकिन हम सुधरना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमने रिवोल्ट कर दिया. सो दिस इज द कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ होम्स, क्योंकि उनकी समझ उतनी ही थी या उनकी विवशता थी ऐसा लिखना. दैट वॉज ओनली ए पार्ट ऑफ द रियालिटी, नॉट द रियालिटी. This could be one of the reasons. It cannot be the main cause. Then, according to Veer Savarkar, Subhash Chandra Bose, even Pandit Nehru, this was the first war of Indian independence. ये आजादी के लिए लड़ा गया पहली लड़ाई थी, first war of इंडियन इंडिपेंडेंस, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में लड़ा गया, आजाद करने के लिए लड़ा गया, ऐसा उनका मानना है. बट अगेन इस आर्गुमेंट को भी अब हम डिस्कस करने जाते हैं. इस बारे में आरसी मजूमदार ने बहुत अच्छी बातें कही हैं. इट वॉज नीदर द फर्स्ट, बिकॉज प्रायर टू दैट देर वर नंबर ऑफ रिवोल्ट्स.
जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नंबर वन, ये प्रथम नहीं था, इसके पहले ऐसे बहुत से रिवोल्ट हो चुके थे, नॉट द फर्स्ट। नंबर टू, इट वॉज नॉट ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज हूसओवर फॉट, दे फॉट नॉट फॉर इंडिया, दे फॉट फॉर देयर पर्सनल रीजंस। जिस भी विद्रोह के नेता ने यह क्रांति लड़ी, उसके कुछ ना कुछ व्यक्तिगत इंटरेस्ट थे, उसने भारत की खातिर ये युद्ध नहीं लड़ा। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ लीडर्स के नाम ले, सो अकॉर्डिंग टू आर सी मजूमदार, इट वॉज नीदर द फर्स्ट, because prior to that there were number of revolts and it was not the war of independence, because whosoever fought, they fought it for their personal grudges. So according to Majumdar, it was the dying groans of an obsolete medieval aristocracy, yani ye maranasanya madhyakalin कुलीन तंत्र की अंतिम गुर्राहट थी। मरणासन मध्यकालीन कुलीन तंत्र की अंतिम गुर्राहट, इट वॉज द डाइंग ग्रोन्स ऑफ ऑब्सोलेट मेडिवल एरिस्टोक्रेसी, क्योंकि इसके जितने लीडर हैं वो सब मेडिवल एरिस्टोक्रेट थे एंड दे वर डाइंग एंड दे ग्रोन्ड। दिस इज ऑल्सो ए व्यू। सो दिस इज हाउ we have seen that there is no fixed nature of the revolt of 1857. That is very true, that when it was fought, it was not fought for India, it was not fought for nationalism, because in that time there was no entity like India. समझना बात, अभी बात आधी है। तो फाइनली जब आप अपने आंसर को समअप करोगे तो आपको क्या लिखना है कि ये जब 1857 की विद्रोह जब लड़ा गया तो उस समय कोई भारतवर्ष जैसी कोई अनुभूति तो थी नहीं, इसलिए ये भारतवर्ष के लिए लड़ा नहीं गया था। But after the revolt of 1857, it was used as a catalyst to enhance the nationalism as a post effect. As there is an often saying that Julius Caesar alive was not so great as Julius Caesar dead. कि जब ये लड़ा गया तो कोई भारतवर्ष जैसी चीज नहीं थी, सबने लड़ लिया, लेकिन 1870, 80 और 90 में, 1870s, 80s एंड 90s में, whenever there was a talk about 1857, it catalyzed the nationalism. So as a post effect, we can call it a war of independence. एक पश्चिम प्रभाव के तौर पर इसे स्वतंत्रता संग्राम माना जा सकता है। नाउ द मेजर इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट, द श्रूल डेट ऑफ द रिवोल्ट वाज 31 मई 1857। 31 मई को यह क्रांति आरंभ होनी थी एंड द साइन यूज्ड फॉर द रिवोल्ट वाज चपातीज एंड द कमल विच वेयर सर्कुलेटेड, चपातीज एंड द लोटस। ये इसलिए रखा गया था कि अंग्रेजों को शक भी नहीं होगा और ये आमतौर पर अवेलेबल भी हो जाता है। देखिए चपाती तो नॉर्मल होती है, चपाती के साथ अगर आप लोटस कर लोगे तो शक भी नहीं होगा और एक सिंबल के तौर पर यूज हो जाएगा। ओनली चपाती कैन नॉट बी यूज एज ए सिंबल, क्योंकि चपाती तो कोई भी निकाल के खाने लगा, तो जरूरी नहीं है वो 1857 की क्रांति में भाग लेने जा रहा है। गेटिंग नॉट गेटिंग, लोटस तो कोई भी रख सकता है।
तो इसलिए उन्होंने सोचा यार क्या करें, उन्होंने बोला कि ऐसी चीज रखो जिससे शक भी ना हो और क्लैरिटी भी हो जाए, एंड फॉर दैट दे कैप्ट चपाती एंड लोटस एज अ सिंबल एंड दे मेड a unanimous leader of the revolt, that is Bahadur Shah Zafar, who was perhaps the weakest link of the revolt. और बहादुर शाह जफर को उन्होंने नेता बनाया और यही सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ. And now let's come to the Mangal Pandey episode. इसमें भी क्वेश्चन ना हुआ. It happened on 29th March 1857 at Bairakpur, West Bengal. Mangal Pandey belongs to dash dash. Kis unit ke the? 34 Native Infantry. 34वीं पैदल सेना के थे. इन्फेंट्री के थे पैदल 34 नेटिव इन्फेंट्री. पूछा गया क्वेश्चन एंड हुआ क्या, द पांडे जी रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कार्टेजेस बिकॉज देयर वाज र्यूमर दैट इट हैड द ग्रीस ऑफ काउ एंड पिक. सो व्हेन ही रिफ्यूज्ड देयर वाज ए फायरिंग. बट This is not the beginning of the revolt. ये हमेशा याद रखें, यहां से क्रांति का आरंभ नहीं हुआ है. अभी हम देखेंगे कहां से रिवोल्ट स्टार्ट कराना, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है. द बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट इज नॉट फ्रॉम बैरकपुर, नॉट फ्रॉम मंगल पांडे, इट इज फ्रॉम मेरठ. अभी हम आएंगे उसमें. कभी अपने को बैरकपुर टिक नहीं करना है. आगे चलते हैं. द काजेज ऑफ द रिवोल्ट, सो देयर आर नंबर ऑफ काजेज ऑफ द रिवोल्ट. नंबर वन द पॉलिटिकल रीजन, हमने ऑलरेडी जो डिस्कस किया हुआ है कि द बहादुर शाह जफर विल बी द लास्ट मुगल एम्परर. आफ्टर हिम हिज फैमिली हैड टू वेकेट द रेड फोर्ट. हिज सन्स विल नॉट बी कॉल्ड द एम्परर, दे विल बी सिंपली कॉल्ड द प्रिंस, द शहजादा. देन British promised to give pension to Nana Sahab. Who was Nana Sahab? The adopted son of Peshwa Balaji Bajirao II. जिसको नहीं पता नोट कर लीजिए. नाना साहब Peshwa Balaji Bajirao द्वितीय के दत्तक पुत्र थे. He was the adopted son of last Peshwa, Peshwa Balaji Bajirao II. So, the Nana Sahab was denied the pension which earlier British promised to give him. And there are, this is how there are a number of political consequences, political reasons. अब नाना साहब इसलिए परेशान हुए कि पेंशन नहीं मिली. फिर विद्रोह के एक और नेता थे तात्या टोपे, वो क्यों लड़ गए? तात्या टोपे वाज ए सिविल सर्वेंट ऑफ नाना साहब. इफ नाना साहब विल नॉट गेट पेंशन देन हाउ ही विल गिव सैलरी टू हिज सिविल सर्वेंट्स. सो ही हैज टू फाइट फॉर टू सेव द His Swami, his Peshwa. Then there were economic reasons. British introduced permanent settlement. अब ध्यान दीजिएगा अगली बात पे. In permanent settlement. In case of non-payment of tax, the zamindar got right to confiscate the property of the farmer, which was normally not done during the ancient time, during the medieval time, during the early modern time.
फिर से बात रिपीट कर रहा, अगर किसान अपना राजस्व राजा को नहीं दे पाता था तो हिंदुस्तान के राजा कभी भी उसको जमीन से बेदखल नहीं करते थे, नंबर वन। नंबर टू, अगर जमीन से बेदखल करते भी थे तो वो किसान जाके बगल के जंगल को काट के अपना खेती में कन्वर्ट कर लेता था बिफोर ब्रिटिश। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, नॉर्मली द लैंड वॉज नॉट कॉन्फिस्केटेड। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, नॉर्मली द लैंड वॉज नॉट कॉन्फिस्केटेड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्स, नंबर वन। नंबर टू, इफ इट वॉज कॉन्फिस्केटेड देन द फार्मर कुड क्लियर द नेबरिंग फॉरेस्ट एंड ही कुड कल्टिवेट। दैट मीन्स फार्मर यूजली रिमेन्ड ए फार्मर, किसान किसान ही रहता था। अब यहां पर बहुत बड़ा चेंज आया बिकॉज ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स द जमींदार कॉन्फिस्केटेड द लैंड ऑफ द फार्मर। सब लोग मेरे साथ बोले, जमींदार कॉन्फिस्केटेड द लैंड ऑफ द फार्मर। नंबर टू, द फॉरेस्ट लॉ डिनाइड दिस फार्मर टू कल्टिवेट द नेबरिंग फॉरेस्ट। और जंगल कानूनों ने भी जंगल को काटना मना कर दिया था, तो ये फार्मर बगल का जंगल काट के भी खेती किसानी नहीं कर सकता था। दैट मीन्स ये फार्मर अपने ही जमीन पर भूमिहीन मजदूर के तौर पे परिवर्तित हो गया। दैट मीन्स इन परमानेंट सेटलमेंट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्स द फार्मर बिकेम लैंडलेस लेबर ऑन देयर ओन लैंड। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है कि विच इज द न्यू क्लास विच इमर्ज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, लैंडलेस लेबर। ये मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन बता दिया, इंडिया हैड नेवर गॉट दिस क्लास, लैंडलेस लेबर नाम का वर्ग नहीं था कोई। लेकिन ब्रिटिश टाइम में इतने ज्यादा लैंडलेस लेबर हुए कि एक नया सोशल क्लास आ गया हमारे यहां, लैंडलेस लेबर। एंड इन ब्रिटिश बंदोबस्त द टैक्सेस वेयर ह्यूज, वेरी हाई। आप मेरे को बताएंगे कि एंशियंट टाइम में किसान से कितना टैक्स लेते थे? इन एंशियंट टाइम द रेट ऑफ टैक्सेशन वाज 1/6। देन ड्यूरिंग मेडिवल टाइम द रेट ऑफ टैक्सेशन वाज 1/3। सब लोग बोलेंगे मैंने सुना नहीं, इन एंशियंट टाइम 1/6 एंड मेडिवल टाइम 1/3। यानी एंशियंट टाइम में से अगर एक आप किसान और मैं किसान हूं तो एंशियंट टाइम में 10 बोरे में से हमको कितना रेवेन्यू देना है? 10 बोरे में से 1.6 बोरी देना है, बाकी सब हमारे पास। इसलिए हिंदुस्तान में गरीबी नहीं थी एंशियंट टाइम। मेडिवल टाइम में कितना देना? 1/3, यानी 10 में से 3.3 बोरे ही देने हैं। This is okay, but during British time, how much revenue a farmer had to give? It's roughly, because in different bandobas it was different, but roughly it was 60%. Roughly 60%. That means out of every 10 sack a farmer is producing, he has to give in tax the 6 sacks. तो अंग्रेजों ने अलग अलग बंदोबस्त में बहुत टैक्स बढ़ा दिया, लगभग 60% कर दिया उन्होंने। और पहले अगर नहीं देता था तो कॉन्फिस्केट नहीं होता था, अब नया सिस्टम हुआ है कि हैवी टैक्सेशन और कॉन्फिस्केशन ऑफ लैंड। तो हिंदुस्तान का जो किसान था वो नाराज हो गया, गॉट इट। फिर एक और चीज थी कि द फार्मर हु हैड स्किल्स कुड वर्क एज एन आर्टिजन, so he could earn his bread and butter, but because of the differential income tax, differential customs policy of the Britain, even the handicrafts, the weavers, they were also unemployed. ऐसा आयात निर्यात कर में अंग्रेजों ने क्या किया था तो आप सबको पता ही होगा, आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं। An Indian good or a textile which enters into Britain
was heavily taxed. अगर एक भारतीय वस्तु ब्रिटेन में एंटर होती तो उन पे हैवीली टैक्स लगता. बट व्हेन ए ब्रिटिश गुड्स फिनिश गुड्स व्हेन दे एंटर इन इंडिया दे वर समटाइम्स ऑलमोस्ट टैक्स फ्री. सो द इंडियन हैंडीक्राफ्ट द इंडियन गुड्स कैन नॉट कॉम्पीट कुड नॉट कॉम्पीट विद द ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री ब्रिटिश इम्पोर्ट इन इंडिया. तो एक तो किसान रियून हुआ, ऊपर से हमारे हैंडीक्राफ्ट जितने लोग थे रियून हो गए, तो बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गए. So this was economy was again a reason. The religious reasons, आप सबको पता है, the British always gave a policy. They called a policy white man's burden. So they interfere in India by saying that it is the responsibility they have to shoulder. They have to civilize us. So they passed various acts. And our uneducated, our orthodox element regarded it as an interference in our culture, in our religion. यानी अंग्रेजों ने white man's burden, यानी श्वेत व्यक्ति के दायित्व की नीति के तहत बहुत से सामाजिक धार्मिक सुधार किए, सती बंद की, विडो रीमैरिज अलाउ किए, ऐसे बहुत से उन्होंने अच्छे काम किए. लेकिन हमारे यहाँ हम पढ़े लिखे तबके की बात नहीं कर रहे हैं. हमारे यहाँ जो ऑर्थोडॉक्स और बिना पढ़ा लिखा तबका था, उन्होंने ऐसा माना कि द सोसाइटी एंड रिलीजन आर इन डेंजर, धर्म और समाज अब खतरे में है. तो इस तरह से एक रिलीजियस जो लोग थे उनको भी काफी वो गुस्से में आ गए. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. हमारे यहाँ आप सबको पता ही होगा कि इतने छुआछूत चलती थी कि ब्राह्मण दे नेवर सिट विद द हरिजन. सो व्हेन ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड, नाउ यू कुड गेट व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ब्राह्मण ऑफ इंडिया. या तो जब ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई तो हमारे यहाँ के ब्राह्मण एलिमेंट ये सोचते थे कि हम हमारे साथ हरिजन बैठ रहे हैं, हमारे लिए तो अलग से कंपार्टमेंट होना चाहिए. ब्राह्मणों का अलग कंपार्टमेंट हो, शूद्रों का अलग कंपार्टमेंट हो. फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, ये तो एक साथ बैठा रहे हैं, जानबूझ के एक साथ बैठा रहे. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर इंटरप्रेटेड बाय इंडियंस. देन नंबर फोर, देयर वाज मिलिट्री रीजंस. इन देयर टोटल मिलिट्री जस्ट 13% वेयर द यूरोपियंस एंड द ब्रिटिश, 87% ऑफ द सोल्जर्स वेयर इंडियन. कुल ब्रिटिश फौज जो थी इंडिया में उसमें सिर्फ 13% यूरोपियन और ब्रिटिश थे, 87% ऑफ दैट वाज इंडियंस. एंड दीज इंडियंस वेयर ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड बिकॉज फॉर द सेम रैंक देयर सैलरी वाज लोअर, दे वर डिनाइड फॉर द की जॉब्स. एक ही पद, एक पद और दो वेतन व्यवस्था थी. अगर उस पद पे यूरोपियन काम कर रहा है तो उसको ज्यादा सैलरी देते थे, और इंडियन काम कर रहा है तो कम सैलरी देते थे. देन दे ऑल्सो पास्ड ए लॉ नोन एज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट एंड दे फोर्स इंडियन सोल्जर्स टू साइन दिस एक्ट. एक नया अधिनियम लाए थे, उसको बोलते हैं जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट. एंड दिस सेज दैट इफ द ब्रिटिश वॉन्ट A soldier could be asked to work overseas. अगर अंग्रेजों की आवश्यकता होगी तो भारतीय सैनिकों को वो समुद्र पार कामों, समुद्र पार युद्धों में भी ले जाएंगे. So when this act was passed, and that time, traditional Brahmin they think that the crossing of sea is polluting. कि समुद्र में चूंकि मछली होती है, मांस होता है, उनकी बदबू होती है, तो इससे हम अपवित्र हो जाएंगे. तो इसको भी हमने बहुत ही डिफरेंट वे में लिया. सो मेन मिलिट्री रीजन, इंडियंस वेयर ट्रेटेड एज सेकंड ग्रेड, इंडियंस वेयर आस्क्ड टू गो फॉर द ओवरसीज जॉब्स एज ए मिलिट्री सोल्जर्स, एंड इंडियन ट्रीटेड एज ए पोल्यूटिंग एक्ट. इन प्रमोशंस ऑल्सो
even Indians would be, you know, very much talented, but they were denied the rank above the subedar. कितना ही पढ़ा लिखा हो उसको सूबेदार के ऊपर रैंक ही नहीं देते थे. तो बहुत सारा भेदभाव था जिससे सेना भी बहुत नाराज थी. आठ, नंबर फाइव, देयर वाज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. द होल इंडियंस आर ट्रीटेड नेक्स्ट टू द डॉग्स. पूरे भारतीयों को ही एक बर्बर की श्रेणी में रखा जाता था और खुद को सभ्य मानते थे. As normally there is a slogan in some portals like the Indians and dogs are not allowed. So there was a racial arrogance. इससे भी बहुत Indians नाराज थे. And the immediate reason of the revolt was introduction of a new rifle, that is Enfield rifle in place of brown base. And before pushing the cartridge, a soldier has to bite it, bite the outer shell. And there was a rumor that that outer shell is greased with the pig and the cow. And that infuriated the orthodox sentiments of Hindu soldiers, the Brahmin soldiers. So that became the immediate cause. So the scheduled date of the revolt was 31st of May. But unfortunately, there was a premature starting of the revolt on 10th of May 1857. So the revolt began from Meerut, 10th May 1857. So at Delhi, the leader of the revolt was Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor. And the British commanders were Hudson and Nicholson. ये कई बार आपको pairing पूछ लेंगे, चार places दे देंगे और पूछेंगे उनमें या तो leaders कौन थे या British commanders कौन थे. तो इसलिए मैंने दोनों तरीके से डलवा दिया. And Bahadur Shah was although a leader, but he was the weakest link. He could not properly resist the British. And in order to remove, in order to save from captivity, he ran and hid himself at dash dash. Ye question bhi pucha gaya. So at Delhi, he hid himself at Himayu's tomb. डर के मारे वो किस जगह जाके छुप गए थे? हिमायू के मकबरे में वो जाके छुप गए थे. ये क्वेश्चन भी बना हुआ है. एंड फ्रॉम देयर ही कैप्चर्ड एंड ही सेंट टू रंगून. रंगून वाज नॉट ए फॉरेन कंट्री, इट वाज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया. उस जमाने में रंगून ब्रिटिश भारत का ही एक अंग था. तो बहादुर शाह जफर कहां जाके छुपे थे? हिमायू के मकबरे नई दिल्ली में. वहां से इनको पकड़ा था, रंगून भिजवा दिया था. अभी लेटर मुगल्स की हिस्ट्री पढ़नी है, पढ़ेंगे अभी हम. एट कानपुर द लीडर ऑफ रिवोल्ट वाज नाना साहब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बालाजी बाजीराव टू. एंड व्हाई ही फॉट? बिकॉज ब्रिटिश डिनाइड हिज पेंशन. And at Kanpur, another leader was Tatya Tope. अब Tatya Tope का कई बार real name पूछ लेते हैं competitive exam में. That is Ram Chand. That was his real name. And here the British generals here have lost. And what happened to Nana Sahab? He fled to Nepal and nothing new about his whereabouts. निम्न में से 1857 के किस क्रांति के बारे में अंततः कोई भी खबर नहीं मिली? नाना साहब. बाकी सबकी तो खबरें हैं, कौन कहां से पकड़ा, कहां क्या हुआ. And regarding Tatya Tope, although he was a civil servant of Nana Sahab, but perhaps the Tatya Tope
and Maharani Lakshmi Bai, they were the warriors. They were the real warriors of the revolt of 1857. So Tatya Tope fought against British when he knew ki he this is the time to run away. So he ran away. He ran away towards central India, and to save his life, he hid himself at Pachmadi. And prior to that, Pachmadi was not known to British. And a British commander chased him. And when he reached Pachmadi, he discovered Pachmadi. So after that, he wrote to the British government, and British government delivered Pachmadi as a cantonment. And what was the name of that general? Captain Forsyth. Mere saath boliye. Is British ka kya British ka kya naam tha? Captain Forsyth. So how British discovered Pachmadi? When a British commander was chasing Tatya Tope. Why Tatya Tope hid himself at Pachmadi? Because it is a good hideout. There are eco points in Pachmadi, good hideout. And from here he was not caught. He ran from here. Tatya Tope ran from here, but because of the treachery of one noble Man Singh, he was captured and Tatya Tope was hanged at Shivpuri. Ye question bhi bana hua hai. Tatya Tope ko Madhya Pradesh mein Shivpuri mein hang kiya gaya. Nana sahab ke whereabouts ka nahi pata. Ye sab question bane hue. Tatya Tope was not his name. Ramchand was his name. And so ab hum aa jaye Lucknow pe. So from Lucknow, the leader of the revolt was Begum Hazrat Mahal. She was the wife of Nawab Wajid Ali Shah. So there, the empire of Nawab Wajid Ali Shah was taken by British, by Dalhousie on the grounds of Mal administration. So they were furiated. And here the British commander was Havelock. Ab ye mat sochna ki ye Havelock jo hai wo ek jagah pe hi hoga, aisa mindset mat rakhna. British generals ek jagah fight karke dusri jagah bhi pahunch jate the. Ye revolt koi ek din nahi chala, it continued for 14 months. Kitna avdi tha iska? पूरे 14 महीने चलाए. सो द क्वीन एस्केप्ड टू नेपाल. अब हम झांसी की बात करें, आप सबको पता है द लीडर फ्रॉम झांसी महारानी लक्ष्मी बाई एंड द ब्रिटिश जनरल वाज ह्यू रोस एंड शी फॉर द बैटल ऑफ कोटा एट राजस्थान एंड मुरार एट ग्वालियर. तो रानी लक्ष्मीबाई ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? कोटा का युद्ध राजस्थान में, उसी के पास में मुरार, जो ग्वालियर वाला मुरार है वो. एंड ऑल्दो शी फॉट ब्रेवली बट शी कुड नॉट. एंड देयर इज अ सेइंग दैट द जूलियस सीजर अलाइव इज नॉट वाज नॉट सो ग्रेट एज जूलियस सीजर डेड. आज भी महारानी लक्ष्मीबाई हर जगह याद रखी जाती है, हर जगह, बहुत जगह उनके इंस्टीट्यूट्स हैं, गर्ल्स कॉलेज, वुमेन कॉलेज उनके नाम से. वो ये नहीं देखा जाता कि वो जीती थी या हारी थी, ये देखा जाता उनका जज्बा कैसा था. तो उनका जज्बा ऐसा था कि वो मान लो एक विजेता था. ठीक. सो हर टोम, हर समाधि इज एट ग्वालियर. और कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, यू हैव टू राइट, प्लीज हरी अप. At Bihar, Jagdishpur,
The leader was Kumar Singh. यहाँ पर बस नेता याद रख लीजिए आप. जगदीशपुर बिहार डैश लीडर वाज कुंवर सिंह. देन एट अलाहाबाद एंड बनारस, मेरे साथ बोले अलाहाबाद एंड बनारस, लीडर वाज मौलवी लियाकत अली. अब मन में ऐसा तो नहीं आ रहा ना कि भैया बनारस का लीडर अलग होना चाहिए, वो दोनों जगह लीडर थे. सो अलाहाबाद एंड बनारस में कौन लीडर थे? मौलवी लियाकत अली. And from Faizabad, Faizabad मतलब समझ गए? अयोध्या का जो एरिया है. From Faizabad it was मौलवी अहमदुल्ला, मेरे साथ बोलिए मौलवी अहमदुल्ला. And interestingly he declared a holy jihad against English, against Britain. तो 1857 की क्रांति भी में भी किसी एक नेता ने जिहाद का नारा दिया था, और वो नारा आप समझ गए किसने दिया था? बोलिए मौलवी अहमदुल्ला ने जिहाद का नारा दिया था कि अंग्रेजों के खिलाफ ये जिहाद लड़ रहा होगा. सो फाइनली द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड एंड इट टुक अराउंड 14 मंथ्स. नाउ What are the causes for the failure of the revolt? इसके असफलता के क्या कारण थे? Number one, lack of coordination, lack of team spirit among Indian leaders. जो भारतीय नेता थे उनमें समन्वय का अभाव, टीम भावना का अभाव था. Number two, lack of able leadership. जो उनका केंद्रीय तंत्र था वही बहुत कमजोर था. And actually they lacked the common objective. एक common objective भी उनके पास नहीं था. And the princely, Indian princely states who could have supported Indians, some of them did not support Indians and some of them supported even the British. So name the princely states who have supported the British. We are like the Nizam of Hyderabad, the Sindhias, the Sikh, the Gurkha of Nepal. ऐसे प्रांतीय राजा जिनको कायदे से तो भारतीयों को सपोर्ट करना चाहिए लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था, बताइए. नंबर वन निजाम, नंबर टू सिंधिया, नंबर थ्री सिख, नंबर फोर गोरखास ऑफ नेपाल. एंड उस समय आपको पता ही है वायसराय वाज द गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड कैनिंग. सो लॉर्ड कैनिंग ने खुद ही एक चीज कही है और वो है इफ सिंधियाज वुड हैव नॉट हेल्प अस आवर बैग एंड बैगेज वुड बी बंडल्ड, इट वुड हैव बीन पैक्ड. यानी अंग्रेजों का साथ अगर सिंधियों ने नहीं दिया होता तो हिंदुस्तान में से हमारा बोरिया बिस्तर गोल हो चुका होता. सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता है झांसी की रानी, उसमें भी इस बात का उल्लेख है जो कि यूपीए गवर्नमेंट ने जानबूझ के वो लाइन हटवा दी एनसीईआरटी सिलेबस में. जब वो झांसी की रानी कविता है उसमें वो सिंधियों की जो ट्रेचरी वाली लाइन है वो उस कविता से हटा दी गई है, आपकी नॉलेज के लिए रखना. ठीक. देन अनदर रीजन वाज द ब्रिटिश वेयर माइटी एंड दे हैड द मास्टरी ओवर द सी, सो दे कुड एबल टू मेंटेन देयर सप्लाईज विद इन टाइम. जैसे हम बार बार कह रहे हैं दीज पीपल lack the common objective. तो इस कारण से रिवोल्ट असफल रहा. So this revolt was done in 1857. It took around 14 months. And then finally in 1858 there was a Queen's declaration. तो ये सबसे बड़ा परिणाम है 1857 क्रांति का. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसको. ए रॉयल दरबार वॉज हेल्ड एट डैश डैश
अलाहाबाद, नोट कर लीजिए जिनको नहीं पता, ऑन 1 नवंबर 1848, 1 नवंबर 1858 अलाहाबाद में एक शाही दरबार का आयोजन किया गया एंड द क्वींस डिक्लेरेशन वॉज रेड आउट एज फॉलोज, और महारानी की घोषणा की गई एंड द क्वीन वॉज क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। अब इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उस समय ब्रिटिश मुकुट कौन था, बोलिए, हु वाज द क्वीन, विक्टोरिया, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, अब मैं आ रहा हूँ उस पामिस्टन पे, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन में बता चुका हूँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज बेंजामिन डिजराइली, बता दिया। अब आगे आइए, दैट टाइम ब्रिटिश पीएम लॉर्ड पामिस्टन, that time British PM Lord Palmerston introduced a bill but unfortunate his government fell down. 1858 में British प्रधानमंत्री Palmerston ने British संसद में एक विधेयक रखा, लेकिन Palmerston की सरकार गिर गई, and finally the bill was capped by Henry Stanley, और अंततः यह बिल हेनरी स्टेनले द्वारा ब्रिटिश संसद में रखा गया। प्लीज जॉट डाउन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहां पर। हेनरी स्टेनले हु बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और यही हेनरी स्टेनले या अर्ल स्टेनले भारत में पहले भारत सचिव बने। दिस बिल वॉज कैप्ट बाय इनिशियली बाय द ब्रिटिश पीएम डैश डैश पामस्ट। एक फ्लैट क्वेश्चन पूछते हैं, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्ट, लॉर्ड पामस्ट, लीडर ऑपोजिशन कौन थे, बेंजामिन डिजराइली, महारानी कौन थी, विक्टोरिया। अब 1858 में द बिल वॉज कैप्ट बाई पामस्टन बट हिज गवर्नमेंट फेल बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, सो फाइनली दिस बिल वॉज कैप्ट बाई हेनरी स्टेनले, अर्ल स्टेनले, हु बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मैं समझा रहा हूं इस बात को, आगे लिखेंगे, दिस एक्ट वॉज इनिशियली नोन एज, this act was initially titled as the act for better government of India। इस अधिनियम का प्रारंभिक नाम act for better government of India था, act for better government of India। and following changes आर मेड अंडर द एक्ट, और इस अधिनियम में निम्न महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, इस अधिनियम के माध्यम से निम्न महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। एक बार रिपीट कर रहे हैं, अभी हमने जो देखा कि 1858 में रॉयल दरबार वॉज हेल्ड एट अलाहाबाद, सो क्वींस प्रोक्लेमेशन वॉज रेड आउट, बट वट वॉज क्वींस प्रोक्लेमेशन, उनके खुद के दिमाग का नहीं था उपज क्वींस प्रोक्लेमेशन, एक्चुअली क्वींस प्रोक्लेमेशन वॉज एन एक्ट विच वॉज इनिशियली कैप्ट बाई द ब्रिटिश पीएम पामस्टन बट हिज गवर्नमेंट फेल डाउन, सो एक्चुअली इट वॉज देन पुट बाई द अर्ल Stanley, the first Secretary of State for India. So this act actually was known as the Queen's Proclamation, which was read out. Samrajya ki ghoshana, actually wo adhiniyam tha. 18th Act of 1858. Ab iske antargat kya kya parivartan hue?
ध्यान देके सुनेंगे. नंबर वन, नोट्स में दिया हुआ है. नंबर वन, द कंपनी राज वाज एंडेड. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ. एंड द क्राउन राज बिगैन. और भारत में मुकुट का शासन आरंभ हुआ. अब यहां एक और चीज है, ये इंटरव्यू तक की चीज जाती है, इंटरव्यू लेवल पे जाती है. नॉर्मली हम कहते हैं कि भारत में वहां की महारानी का शासन था. उस पॉइंट को मैंने यहां पे क्लियर कर दिया कि भारत में महारानी का शासन आरंभ नहीं हुआ है, भारत में मुकुट का शासन आरंभ हुआ है. टिल 1858 इंडिया वॉज रूल्ड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी. सब लोग रिपीट करो, 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड फ्रॉम 1858 इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन. एंड दिस इज ब्रिटिश क्राउन. द क्राउन कंसिस्ट ऑफ द किंग और द क्वीन, द ब्रिटिश पीएम, द ब्रिटिश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो भारत में मुकुट का शासन आरंभ हुआ है, ना कि महारानी का. एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए क्राउन एंड ए क्वीन. द क्राउन इज एन ऑफिस, वेयर इज ए क्वीन और किंग आर पर्सन्स. मेरे साथ बोलेंगे, मुकुट एक दफ्तर है, एक ऑफिस है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑफिस है, जबकि रानी या राजा इंडिविजुअल्स है. नंबर टू से, द क्राउन इज ए बिगर सर्किल एंड किंग और क्वीन इज ए स्मॉलर सर्किल. दे आर लाइक टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स. मुकुट एक बड़ी अवधारणा है और मुकुट के अंदर महारानी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब आ जाते हैं. नंबर थ्री, क्राउन इज ए मॉर्टल, वेयर इज ए किंग और ए क्वीन इज मॉर्टल. तो जो मुकुट है वो अमर है, जबकि महारानी या राजा महाराजा वो नश्वर है. तो ये अंतर है. एंड आज भी आपसे कोई पूछे कि अंग्रेज में, ब्रिटेन में किसका राज है, तो एक्चुअली क्राउन राज ही है वहां पे आज. सो नंबर टू, यू हैव सीन दैट द प्रीवियस सिस्टम ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज डिमोलिश्ड एंड न्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. That means a separate minister in Britain to look after the Indian affairs. And obviously, ministers are journalists. They do not know much about the subject matter. So to advise him, there was a 15-member Indian Council. And in this Indian Council, there was a sizable representation of the East India Company. Aur in 15 sadasi Indian Council mein, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि भी रखे गए थे. एकदम क्लियर. एंड द पोस्ट, द डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज चेंज टू वाइसराय, बिकॉज टू फॉर द क्राउन यू कैन ओनली रिप्रेजेंट द क्राउन. वाइसराय मतलब प्रतिनिधि, तो इसलिए नाम हो गया गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय. तो लॉर्ड कैनिंग आपको पता ही चल गया कि वो पहले वायसराय हो गए. एंड दे क्लियरली सेड दैट नाउ देयर विल बी नो एग्रेशन, एट द सेम टाइम दे विल नॉट टॉलरेट एनी एग्रेशन. यानी ब्रिटिश भारत अब जहां का जहां जैसा वैसे ही रहेगा. अंग्रेज आगे अब भारत में भू विजय नहीं करेंगे, साथ ही अंग्रेजी साम्राज्य जो भारत में ना उस पर भी वो किसी को विजय करने नहीं देंगे. तो ये चीज भी क्लियर. द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म वाज गिवन अप. यहां से अंग्रेजों ने फिर विस्तार नहीं किया ब्रिटिश भारत के अंदर. देन दे रीऑर्गेनाइज आर्मी, दे एनहांस द नंबर ऑफ यूरोपियंस, दे गेव देम की पोस्ट. एंड फ्रॉम हियर पॉइंट नंबर सिक्स, दे inculcate the policy of divide and rule. फूट डालो राज करो की नीति को आगे बढ़ाया. हाँ,
they had, the British had huge losses, so they called an expert, and name of that expert was Delta. James Wilson, ये दिया हुआ है, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, James Wilson, so James Wilson came in India, so he proposed something, and as an account of that, number one, there was a beginning of income tax, and number two, beginning of budgeting in India. तो जेम्स विल्सन के प्रयासों से वित्त के क्षेत्र में दो बड़ी बात हुई, बजट प्रणाली आरंभ हुई और आयकर लगना आरंभ हुआ. एंड वन ऑफ द रीजन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द ब्रिटिश सोशल रिलीजियस रिफॉर्मेशन. सो देयर दे डिसाइडेड दैट फ्रॉम देयर साइड दे विल नॉट गो फॉर एनी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मेशन. तो यहां से अंग्रेजों ने सामाजिक सांस्कृतिक सुधार की नीति को परित्याग कर दिया. इसके बाद जो भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मेशन हुए हैं, ये प्रमुख भारतीयों ने खुद ही इसका दायित्व लिया है. तो मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्मेशन बंद हो गया. द ब्रिटिश फ्रॉम देयर ओन साइट दे गिव अप द पॉलिसी ऑफ वाइट मेन्स पार्डन, राइट. सो एंड फाइनली द लीडर्स ऑफ 1857, their memories and the memories of 1857, they were used as a catalyzer to enhance nationalism in India, and that is the reason ki after 1857 there was a growth of nationalism in 1860s, 1870s and 1880s. To jeete ji 1857 jo kaam nahi kar paya wo kaam iske murde ne kiya hai. और इसने राष्ट्रवाद को बढ़ाने में इस मुर्दे ने मदद की है, जीते जी ने मदद नहीं की. थैंक यू वेरी मच.